नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बंधे हाथ, जो कि तिरंगा की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 14 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन चकोरा एक भी कदम और ना उठा पाया और ठीक उसी पल तिरंगा के कदम छत से टकराए। मैसेज ठीक था, छत पर कोई बेहोश पड़ा है। इसकी हालत बता रही है कि इसे वाकई दिल का दौरा पड़ा है। और ये बात फोन करने वाले को कैसे मालूम थी? वो टंकी में मेरी बेटी अंजुम। ओह, ये तो मर गया। पर ये क्या कह रहा था कि टंकी में इसकी बेटी अंजुम? मुझे देखना होगा। मुझे लगता है नीले आंखों वाला ने इसे झूठी खबर दी होगी कि उसके बेटे टंकी में बंद है। घबराहट में यह टंकी की तरफ भागा होगा और हत्यारा निश्चित रूप से जानता होगा कि यह हार्ट पेशेंट है। और घबराहट में भागेगा तो इसे हार्ट अटैक जरूर आएगा। और वही हुआ। इस बिल्डिंग के लिफ्ट भी खराब होनी चाहिए। मेरा शक ठीक निकला। इसका मतलब बैंक मैनेजर निर्दोष है। मुझे इस घटना की रिपोर्ट पुलिस को देने के साथ ही मैनेजर की रिहाई भी करवानी होगी। जल्द ही पूरी बिल्डिंग में चकोरा की हत्या की खबर फैल गई और फिर उसके फ्लैट में। तिरंगा, मैंने पता कर लिया है कि चकोरा की बेटी अभी स्कूल में ही है। मुझे किसी और चीज़ की तलाश है। और जिसकी तलाश है वो यही है, लूट की रकम का चकोरा का हिस्सा। इसके साथ नाइट क्लब का बिल भी है। लूट का जश्न भी मनाया गया है। आगे बढ़ने में ये बिल सहायक होगा। यही है वो नाइट क्लब जहां लुटेरों ने लूट की सफलता का जश्न मनाया। जल्द ही। अरे तिरंगा, तुम मुझे इस बिल के बारे में पूछताछ करनी है। हाँ, वो कुल 5 लोग थे जिनमें से एक को जानता हूँ। वो अक्सर यहाँ आता है। एक गैरेज का मालिक है, खान। डिंग डोंग, इतनी रात गए कौन आ गया? ठहरो, खोलता हूँ। स्प्रे। कौन? उफ, तेरी मौत। खान को बेहोश होकर लुढ़कने में जरा भी देर नहीं लगी। यहाँ पर तूने कारों की बहुत सर्विस की है, अब यहाँ तेरी सर्विस मैं करूँगा। तेरे शरीर का एक एक नट बोल्ट आज खुल जाएगा। नीली आंखों वाला खान को कंप्रेसर पर लिटा रहा था। कंप्रेसर को ऑन कर दिया जिससे इसमें हवा भरने शुरू हो गई। धर, कंप्रेसर में हवा का दबाव बढ़ता चला जाएगा। घर, और फिर यह दबाव इतना बढ़ जाएगा कि उसके पास फटने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन दरवाजा खुलते ही तिरंगा, तुम मैं तो यहाँ खान की तलाश में आया था, पर तुम मेरे हाथ लग गया। मैं तुझे बचकर नहीं जाने दूंगा। धाड़, अब तेरे साथ ही मेरे हाथ लगेंगे सभी रहस्य भी, जैसे कि तू कौन है और ये हत्याएं क्यों कर रहा है। धाड़। नहीं तिरंगा, मैं तेरे हाथ कभी नहीं लगूंगा। नहीं तिरंगा, मैं तेरे हाथ कभी नहीं लगूंगा। तो मेरे मकसद को पूरा करने से नहीं रोक पाएगा। सर, फट फट फटाक। उफ, भाग तिरंगा, यहां से भाग, क्योंकि बड़ा धमाका होने वाला है। बड़ा धमाका है? तिरंगा बाहर नहीं दौड़ा, तिरंगा अंदर दौड़ा। धड़ धड़। कैसा बड़ा धमाका? खान कहाँ है? और ओ नो, अगर कंप्रेसर फट गया तो खान के चिथड़े उड़ जाएंगे। धक धक। तिरंगा ने फुर्ती के साथ खान के शरीर को उठाया। कंप्रेसर का गेज बता रहा है कि हवा का दबाव खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। ओह, बाल बाल बच गया हम दोनों। बड़ाम। तिरंगा ने खान को होश में लाने की कोशिश की। खान खान, ये किसी दवा के असर से बेहोश है। और अचानक अपने हाथ की ओर देखता चौंक पड़ा तिरंगा। अरे ये क्या है? ओ गॉड, ये तो इसी चीज ने तो मुझे परेशान कर रखा था। मगर अब मुझे हत्यारे का पता चल गया है कि वो कौन है। ना जाने क्या मिल गया था तिरंगा को। अब इससे पहले कि हत्यारा अपने गंतव्य तक पहुंचे, उसके स्वागत के लिए मैं वहां मौजूद रहना चाहता हूँ। तुम यहाँ? अब तुम कोई हरकत नहीं करोगे मिस्टर अनिल। धाड़। आ, तुम्हारा भेद खोल चुका है। नहीं, और जानते हो तुम्हारा भेद किसने खोला है? इसने, पहचानी से। ये वो कॉन्टेक्ट लेंस है जो तुम्हारी आंखों को नीली आंखों में बदल देता था। अब तुम खान का कत्ल करके पहुंचे तो ये मेरे हाथ पर उस वक्त चिपक गया था जब मैंने तुम्हारी आंख पर घुसा मारा था।
इसे देखते ही मैं समझ गया कि हत्यारे तुम हो, क्योंकि मुझे तुम पर तब से ही शक था जब मैंने मैनेजर को निर्दोष पाया, क्योंकि मैनेजर का पीए होने के नाते तुम्हारे भी चाबियों तक पहुंच हो सकती थी। सिर्फ तुम्हारी आंखों के रंग ने मुझे परेशान कर रखा था। इस वक्त तुम्हारी एक आंख में नीला कॉन्टेक्ट लेंस है, दूसरे में नहीं। अब तुम मुझे बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया। जब तुम पर भेद खुल ही चुका है तिरंगा, तो छिपाने से कोई फायदा नहीं होगा। तिरंगा, वे पांचों बड़े ही सुलझे हुए दिमाग के सातिर बदमाश थे। मुझे जुए की गंदी लत थी। मेरे कमजोरी नस को भाप कर एक रात उन्होंने मुझे जुआ खेलने के लिए बैठा लिया। खेलो यार, पैसे की फिक्र मत करो, हम उधार पर भी खेलते हैं। मैं हारता चला गया, जीतने की चाह में मैं खेलता चला गया, और जब मुझ पर 2 लाख का उधार हो गया तो मैं घबरा गया। नहीं, मैं और नहीं खेल सकता। मगर 2 लाख कैसे चुकाओगे? हम उधार खिलाते जरूर हैं, मगर उधार 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखते। 24 घंटे में मैं 2 लाख कहाँ से लाऊंगा? ये सोचना हमारा काम नहीं है। 24 घंटों में जब पैसों का इंतजाम ना हो पाया तो तुम पैसा दूसरे ढंग से भी चुका सकते हो। तुम हमें बैंक के हर दरवाजे और वॉल्ट की चौकियों के अक्स मुंह पर ला दो। क्या तुम अक्स का क्या करोगे? वो इसी तरह से अपने शिकार को फांसते थे। हम डुप्लीकेट चाबियां बनवा कर बैंक रॉबरी करेंगे। मैं पसीने से नहा गया। जुर्म नहीं करना चाहता था, पर मैं उनका काम करने पर विवश हो गया। मैंने मैनेजर की नज़र से बचाकर मोम की भट्टी पर उन्हें चाबियों के अक्स लाकर दे दिए। अब तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा प्लान था कि एन डकैती के वक्त पर पुलिस को इन्फॉर्म करके उन्हें पकड़वा दूँ। मगर डायरी के इस पन्ने पर सिग्नेचर करो। क्यों? इस डायरी में हम पांचों के नाम पते मौजूद हैं, और ये दर्ज है कि हम हर अपराध में साथ हैं, ताकि हम में से कोई भी एक दूसरे से गद्दारी ना कर सके। ये डायरी एक ऐसे ताले में रहती है जो 5 चाबियों से खुलती है। इसमें हमने तुम्हारा भी नाम दर्ज कर दिया है, ताकि अगर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो तुम भी फंसो, क्योंकि इसमें तुम भी हमारे पार्टनर के रूप में लिखे जाओगे। मुझे सिग्नेचर करने पड़े, मेरे हाथ बंद गए थे। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता तो खुद भी फंसता। मुझे कुछ हो जाता तो मेरी माँ का क्या होता, जिसे मैं बहुत चाहता हूँ। तब मैंने उन्हें खत्म करने का निश्चय किया। मैंने उनकी वैन का टायर पंक्चर कर दिया, फिर खुद ही एक ऐसी कार लेकर वहाँ पहुँच गया जिसके ब्रेक आयल के पाइप को मैंने लूज कर दिया था, ताकि जब सारा ब्रेक आयल लीक हो जाए तो ब्रेक फेल से कार दुर्घटना में सबके सब मारे जाएं। उसी वक्त तुम आ गए, तो मैंने तुम्हें रोका, वरना मेरा सारा खेल बिगड़ जाता। चकोरा की हत्या की खबर मैंने तुम्हारा शक मैनेजर पर से हटाने के लिए दी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो बेकसूर मारा जाए। किसी की निगाहों में आने से बचने के लिए ही मैंने अपना वेश भी बदला और नीले कॉन्टेक्ट लेंस भी लगाए। मैंने अपने मैनेजर के कमरे से ही चुरा लिए थे तिरंगा। मैं सभी बैंक डकैतों के पते जानता हूँ, जो मैं तुम्हें बता दूंगा। ओह तिरंगा, मुझे अपने पकड़े जाने का दुख नहीं है। दुख है तो सिर्फ इस बात का कि अब मेरी माँ का क्या होगा। उसी के लिए मैंने ये सब किया, ताकि वे लोग कभी भविष्य में मेरे लिए खतरा ना बन जाएं। तुम्हें अपने गुनाह की सजा तो भुगतनी ही होगी, मगर तिरंगा वादा करता है कि तुम्हारी माँ का इलाज तिरंगा कराएगा। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो चलिए इस कॉमिक्स के कुछ एडवर्टाइजिंग को देख लेते हैं। वो और गुब्बारे वाले होंगे जो बच्चों का मनोरंजन करते हैं। मौत के गुब्बारे बनाता है ये गुब्बारे वाला। राज कॉमिक्स में देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा का रोमांचक कॉमिक विशेषांक। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।